हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टाइलो बुटीक। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको 34 साइज़ के ब्लाउज़ की कंप्लीट कटिंग बताऊंगी। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग हम यहां पर करेंगे और बैक ओपन पे ब्लाउज़ यहां पर हम तैयार करेंगे। तो ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो यहाँ पर इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए कॉटन का अस्तर लिया हुआ है 1 मीटर। तो सबसे पहले देखिए, हम इसको नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करेंगे। और ये ब्लाउज हम बैक ओपन पे बनाएंगे, इसलिए देखिए यहाँ पर हम 1/2 इंच जितनी एक लाइन ड्रॉ करेंगे हुकाई पट्टी के लिए। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है। और देखिए, यहाँ पर हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमारे ब्लाउज की तैयार लेंथ यहाँ पर 13 इंच है, तो इसमें 1 इंच प्लस करके हमें 14 इंच पर निशान लगा लेना है लेंथ के लिए। इसके बाद देखिए, ये ब्लाउज हम डीप नेक पे बनाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर देखिए 5.5 इंच रखेंगे 34 साइज़ के लिए। और आर्म होल यहाँ पर 5.25 इंच रखेंगे। तो देखिए, मैंने शोल्डर के लिए 5.5 इंच पे निशान लगा लिया है और आर्म होल के लिए मैंने 5.25 इंच पे निशान लगाया है। और इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया है। चेस्ट हमारा 34 है, तो इसका हम चौथा भाग करेंगे, तो यहाँ पे 8.5 इंच आएगा। और इसमें हम 1/4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो फिटिंग के लिए हम यहाँ पर 9.25 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। वेस्ट हमारे यहाँ पे देखिए 30 इंच है, तो इसका चौथा भाग करेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आएगा 7.5 इंच। कमर में हमें कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। और 1 इंच हम बैक प्लेट्स के लिए लेंगे और इसके बाद 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। और इन लाइंस को हम स्ट्रेट इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखिए 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे डीप नेक में। हमें देखिए इसको बैक की तरफ यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है 1/2 इंच। और यहाँ पर तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। और यहाँ से देखिए 1 इंच की हम आर्म होल्स के लिए गोलाई करेंगे। और यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको गोलाई कर देंगे इस तरीके से। तो बैक पार्ट की देखिए हमारे यहाँ पर मार्किंग हो गई है। अभी इसे यहाँ से कट करेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसकी बंद वाली साइड है, यहाँ पर हम बैक पार्ट को रखेंगे। जो हमने यहाँ पर हुकाई पट्टी के लिए जगह छोड़ी है, इसको देखिए हमें बाहर की तरफ निकालते हुए रख लेना है इसके ऊपर। और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ से इसको हम एज इट इज मार्क करेंगे। आर्म होल की तरफ से भी देखिए एक बार इसको हम सेम एज इट इज ही मार्क कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो चेंजेस करने हैं, वो देखिए जो हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ है, इसमें हमें 1/2 इंच बढ़ाना है लेंथ को। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे देखिए इस तरीके से। और देखिए आर्म होल की तरफ से हमें फ्रंट पार्ट को यहाँ से 1 इंच बढ़ाना है और नीचे से इसको देखिए हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे, या फिर 2 इंच भी बढ़ा सकते हो। बाद में अगर ये एक्स्ट्रा हुआ तो इसको हम कट करके निकाल देंगे स्टिचिंग करते वक्त। अभी बैक पार्ट को हम यहाँ से हटा लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम फिर से निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और शोल्डर के लिए हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और एक बॉक्स हम यहाँ पर फिर से बनाएंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई करेंगे। मैंने 1/2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया है और इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर गहराई कर देनी है 1/2 इंच जितनी। अभी जो हमने यहाँ पर निशान लगाए हैं, इनको यहाँ से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से करें। अभी देखिए यहाँ पर हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान देखिए हम यहाँ पर 3.5 इंच पर लगाएंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। और बस्ट पॉइंट के लिए यहाँ पर देखिए हमें 10.5 से 10.5 इंच पर ये निशान लगा लेना है।
जितना भी आपका बस्ट पॉइंट है, मेरा यहाँ पे 10.25 इंच है तो मैंने 10.25 इंच पे निशान लगा लिया है। और आर्म होल की तरफ से यहाँ पे 20 सेंटर में निशान लगा लेना है। और देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से हल्के हाथ से गोलाई देते हुए आर्म होल की तरफ ये लाइन मिला देनी है। और यहाँ पर देखिए हम टक्स लगाएंगे, इसकी विड्थ यहाँ पे 1.25 इंच रखेंगे और टक्स की हाइट भी हम यहाँ पर 1.25 इंच रखेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पर 1.25 इंच पे निशान लगा लिया है। और यहाँ से हल्के हाथ से गोलाई करते हुए हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है इस तरीके से। देखिए अभी यहाँ पर देखिए हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस वाले निशान को देखिए यहाँ तक हम मिला देंगे, तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमने फ्रंट में ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो इसको हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। और यहाँ पर हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे, नेक विड्थ यहाँ पर हम 2.5 इंच रखेंगे क्योंकि हम बैक में डोरी लगाएंगे। अगर आप बैक में डोरी नहीं लगा रहे हो फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप 2.25 इंच भी रख सकते हो। और नेक लेंथ के लिए यहाँ पर हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स आप चाहो तो यहाँ पर कोई डिफरेंट डिजाइन भी बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो, मैं इसमें यहाँ पे सिंपल राउंड नेक ही बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम बैक पार्ट में यहाँ पर नेक ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इन स्टेप को हमें हुकाई पट्टी के लिए जो लाइन छोड़ी है उसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर निशान लगा लेना है नेक विड्थ के लिए। और नेक डीप हम यहाँ पर 10 इंच रखेंगे और नीचे से देखिए नेक को थोड़ा सा हम फैलाएंगे, तो नीचे से नेक विड्थ हम यहाँ पे 3 इंच रखेंगे। और इस तरीके से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर भी देखिए हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे, यहाँ पर भी हम राउंड नेक ही बनाएंगे सिंपल। आप चाहो तो यहाँ पर भी कोई डिजाइन है वो बना सकते हो बैक में। और देखिए इस तरीके से हमें 1/2 इंच से थोड़ा सा कम देखिए शोल्डर को गले की तरफ डाउन कर देना है, फ्रंट और बैक दोनों में ही। तो इससे हमारे जो शोल्डर डाउन होने की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल से ही नहीं आएगी ब्लाउज को बनाने के बाद में। तो अभी देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए बैक पार्ट का आर्म होल नापेंगे, ऊपर की तरफ से 1/2 इंच जितनी जगह छोड़ते हुए हमें आर्म होल्स को नाप लेना है। देखिए आर्म होल्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं 7.5 इंच। तो अभी देखिए हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को देखिए हमें एक बार फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, दोनों ही स्लीव्स की हम साथ में कटिंग करेंगे। कपड़े की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 9.5 इंच ली हुई है। ये कपड़ा हमारा यहाँ से कम है तो बाद में हम यहाँ पे इसमें जॉइंट लगा लेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स हम नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करके पहले कपड़े को सीधा करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लेंथ के लिए निशान लगाएंगे, जितने भी आपको तैयार स्लीव्स रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। मैं यहाँ पे तैयार स्लीव्स 10 इंच रखूँगी तो मैंने यहाँ पे 11 इंच पर निशान लगा लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ से हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे, स्लीव्स को हम यहाँ से 3 इंच डाउन करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगा लिया है। और भी देखिए इन स्टेप को इस तरीके से तिरछा रखते हुए हमें देखिए 8 इंच पे एक निशान लगा लेना है। हमारा ब्लाउज का आर्म होल 7.5 इंच है, इसमें हम 1/2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा लिया है। और यहाँ से देखिए हमें स्लीव्स का शेप दे देना है इस तरीके से, नीचे की तरफ इसको हम 1/2 इंच जितना और डाउन कर देंगे। और फ्रंट में देखिए इसमें 1/2 इंच से 1.25 इंच तक आप यहाँ पे गहराई कर सकते हो इसमें। और जितनी भी आपकी स्लीव्स की मोरी है उसका 1/2 करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। और 2 इंच मैंने यहाँ पर सिलाई मार्जिन लिया है, जितना सिलाई मार्जिन आपने ब्लाउज में लिया है उतना ही सिलाई मार्जिन आप स्लीव्स में लें। तो स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स, अभी इसको यहाँ से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद यहाँ पर इसमें हम जॉइंट लगा देंगे और फिर इसमें ये गहराई भी कट कर देंगे। तो स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है हमारी। अभी देखिए इस फैब्रिक को हमें मैन फैब्रिक के ऊपर रखना है, अस्तर वाले फैब्रिक को, और इसे भी कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम बैक पार्ट को देखिए, मैंने जहाँ पर हमारे कपड़े की रॉन्ग साइड है उसके ऊपर रखा है
और अभी देखिए अस्तर वाले फैब्रिक को हम फेविकोल से चिपकाएंगे। आप चाहो तो इसमें सिलाई लगाकर भी इसको पैक कर सकते हो। तो फेविकोल को देखिए इस तरीके से हमें डॉट डॉट यहाँ पे इसमें अस्तर में लगा लेने हैं और कपड़े के ऊपर रखते हुए देखिए इस तरीके से इसको चिपका देना है। तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी हमारा काम इसे हो जाता है। तो देखिए मैंने इसको मैन फैब्रिक के ऊपर भी रख के कट कर लिया है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स हमारे ब्लाउज़ की कंप्लीट ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी है। अगर आप इसकी स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो इसका मैंने वीडियो पार्ट 2 बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, जहाँ से आप इसकी स्टिचिंग करने का वीडियो भी देख सकते हो। मैंने बहुत ही ईजी तरीका आपको स्टिचिंग करने का बताया है। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू सो मच गाइज़।